माधवी पुरी बुच का जन्म 1966 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता कॉरपोरेट में काम करने वाले कमलपुरी और माँ राजनीति विज्ञान में डॉक्टरेट थे। माधवी पुरी बुच की प्रारंभिक शिक्षा फोर्ट कॉन्वेंट स्कूल मुंबई व कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी दिल्ली में भी। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज से बीएससी मैथ ऑनर्स की शिक्षा प्राप्त की। 1988 में आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए की डिग्री प्राप्त की। एनजीओ प्रधान प्रोफेशनल असिस्टेंट फॉर डेवलपमेंट एक्शन में काम किया। 1989 में आईसीआईसीआई बैंक में नौकरी की। 1993 से 1995 तक इंग्लैंड के वेस्ट चेशायर कॉलेज में लेक्चरर के रूप में कार्य किया। 2006 में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में शामिल हुई। 2009 से 2011 तक आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की प्रबंध निदेशकनी सीईओ भी रही। 2011 में सिंगापुर की ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल में नौकरी की। माधवी पुरी बुच ने जेनसार टेक्नोलॉजीज, इनोवेन कैपिटल और मैक्स हेल्थ केयर में भी काम किया। माधवी पुरी बुच ने इंडियन स्कूल ऑफ डेवलपमेंट मैनेजमेंट ISDM में स्वतंत्र निदेशक व न्यू डेवलपमेंट बैंक बिक्स बैंक के सलाहकार के रूप में भी कार्य किया। 2017 में सेबी में माधवी पुरी बुच को पूर्णकालिक निदेशक बनाया गया। 1 मई 2022 को माधवी पुरी बुच को सेवी में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। 18 वर्ष की उम्र में माधवी पुरी की सगाई धवल बुच से हुई। उस समय धवल बुच हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कंपनी में निदेशक के पद पर कार्य कर रहे थे। 21 वर्ष की उम्र में 1987 में माधवी पुरी का विवाह धवल बुच से हो गया। माधवी पुरी व धवल बुच का एक बेटा अभय बुच है। 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले में वे अपने पति के साथ उस समय ताजमहल पैलेस होटल में भी थी। उस समय धवल बुच यूनिलीवर की बैठक में भाग ले रहे थे। अगस्त 2024 को शॉर्ट सेलिंग एक्टिविस्ट फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने उन पर और उनके पति पर अडानी समूह के स्वामित्व वाली कंपनियों के शेयरों में कृत्रिम रूप से बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाने वाली कुछ कंपनियों में हिस्सेदारी रखने का आरोप लगाया है।